कविता का शीर्षक है ट्यूबलाइट वाला जुगनू। सुनिए। अपने हाथों को उठाकर जब तुम नाच रहे थे बारात में, ट्यूबलाइट और झूमरों से चमचमाती उस रात में, जब तुम बेअदब होकर पैसे उड़ा रहे थे, मैंने जिम्मेदारियां उठा रखी थी अपने हाथ। कि जलते ट्यूबलाइट के साथ मेरा बचपन अंधेरे में पल रहा है। हाँ, ये वही शख्स है जो दूल्हे के रथ के बगल में चल रहा है। चप्पल टूटी है, पहनावा थोड़ा सादा है, दिहाड़ी कम है पर बोझ ज्यादा है। 200 के नोटों की माला देख, 200 के नोटों की माला देख, मैं थोड़ा भागा 200 के नोटों की माला देख, मैं थोड़ा हक्का बक्का हूँ, बजाय मक्कारी के मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं ईमान का पक्का हूँ। जो मुझको भा गई वो शहबाले की शेरवानी है, मैं भी वहाँ होता पर मेरी तो अलग ही कहानी है। अभी चिंटू को जनरेटर से 4 झटके आए हैं, पर वो कुछ भी नहीं उसके सामने जो हमने जिंदगी से खाए हैं। जिंदगी के पहले झटके में अब्बू गए, दूसरे में गया मेरा बचपन, और दिहाड़ी कितनी है मेरी, कभी 60 तो कभी 55। चलो मान ले कि 55 और 60 में जिंदगी का हिसाब हो जाए, चलो मान ले कि 55 और 60 में जिंदगी का हिसाब हो जाए, पर क्या हो अगर ट्यूबलाइट खराब हो जाए। तुम्हें मुफ्त में जग कर ट्यूबलाइट उठा कर चलना है, दूसरों की खुशियों में शामिल हो के उनसे जलना है। मुझ पे कोई ध्यान भी नहीं देता, मुझ पे कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि ये दुनिया रंगों की दीवानी है, और मेरा रंग तो जैसे पानी है। भले ही मैं तुम्हारी खुशियों का हिस्सा नहीं हूँ, मैं खुद एक अफसाना हूँ, कोई किस्सा नहीं हूँ। मैं ट्यूबलाइट वाला कोई जुगनू नहीं, एक परिंदा हूँ, मेरे दिल में उम्मीद कायम है, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। बस कमी है उस मोड़ की जहाँ से मुझे भी मुड़ जाना है, मैंने सोच रखा है पंखों के लगते ही उड़ जाना है।